तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं डॉबरमैन के बारे में। अगर आपको एक स्लिम डॉग ब्रीड चाहिए, गार्ड डॉग ब्रीड चाहिए और एक ऐसा डॉग ब्रीड चाहिए जिसका कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा कम हो, लो मेंटेनेंस हो, तो दोस्तों आप जो है डॉबरमैन के साथ जा सकते हैं। डॉबरमैन पहले के समय से लेकर आज के समय तक आप बोल सकते हैं एक परफेक्ट डॉग ब्रीड की तरह ही रहा है। यह अपने ऑनर के लिए काफ़ी ज़्यादा लॉयल है, चाहे फैमिली मेम्बर में छोटा बच्चा हो या कोई बड़ा बुजुर्ग क्यों ना हो, यह सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा लॉयल ब्रीड होते हैं। और ये डॉग ब्रीड जितने खतरनाक दिखते हैं उतने होते नहीं हैं, उतने फैमिली मेंबर के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव डॉग ब्रीड होते हैं। अगर कोई भी अनजान इंसान या फिर कोई अननोन पर्सन भी किसी घर में घुसने की कोशिश करता है या फिर घर के आजू बाजू भी टहलता है, तो ये डॉग ब्रीड की नज़र में अगर आता है तो ये आपको बार कर करके परेशान कर देगा उस बंदे को। जब तक वो कोई फैमिली मेम्बर से मिल नहीं लेता या फिर वहाँ से चला नहीं जाता, तब तक वो बार करके आपको अलर्ट भी करता रहेगा। ये इसलिए करते ज़्यादा करके क्योंकि इनको फैमिली की सेफ्टी सबसे पहले चाहिए होती है। ये डॉग ब्रीड पहले के समय से लेकर आज के समय में भी नाइट में इतना ज़्यादा प्रोटेक्टिव रहते हैं। अगर आप सोते भी हैं तो ये डॉग ब्रीड को कोई भी आवाज़ आती है या फिर कोई एनिमल्स की भी आवाज़ आती है तो जल्दी से अलर्ट हो जाते हैं। सो गाइस, इसके अदर नेम जैसे कि डॉबरमैन पिंचर भी आप उसे बोल सकते हो, और कॉमन जो निक नेम से इनको डॉबी करके भी बुलाया जाता है या फिर डॉबरमैन के नाम से भी इन डॉग ब्रीड को जाना जाता है। इनकी ओरिजिन की बात करें तो इनके ओरिजिन जो है जर्मनी से है। इन डॉग ब्रीड की हाइट की बात करें तो 68 से लेकर 72 सेंटीमीटर तक इनकी हाइट होती है। वहीं इनकी वेट की बात करें तो 40 से लेकर 45 केजी तक इनका वेट हो सकता है। और गैस इनका जो कोट होता है वो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट कोट होता है, इसलिए ज़्यादा बालों का या फिर आपको हेयर फॉल का ज़्यादा इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा, नॉर्मली आपको देखने को मिलेगा। और आपको ब्रशिंग भी करनी ही पड़ेगी, ऐसा नहीं कि अगर शॉर्ट कोट है तो नहीं करना पड़ेगा, ब्रशिंग तो आपको करनी पड़ेगी। बट जो बाकी डॉग जो हेयर वाले होते हैं उनसे आपको कम इन डॉग ब्रीड को मेंटेन रखना पड़ेगा। और उस चीज़ में ये डॉग ब्रीड बाजी मार लेता है क्योंकि ज़्यादा करके इनका जो प्राइस है फिर मेंटेन रखने का वो काफ़ी ज़्यादा लो हो जाता है। और अगर आपको इन डॉग ब्रीड के कलर के बारे में जानना है तो ये आपको ब्लैक एंड टेन कलर में मिल जाएंगे, रेड एंड टेन कलर में मिल जाएंगे, और मोस्ट ऑफली ब्लैक एंड टेन ज़्यादा करके ये डॉग ब्रीड प्रेफर करते हैं लोग। और इन डॉग ब्रीड को अगर आप अच्छे से ध्यान रखते हो, प्रॉपरली उसको न्यूट्रिशन खाना और मेंटेन रखते हो, तो इन डॉग ब्रीड की लाइफ स्पैन 9 से लेकर 12 ईयर तक हो सकती है, फिर उससे ज़्यादा भी हो सकती है। और गाइस आपको जैसे कि बीगल, लैब्राडोर, जर्मन शेफर्ड और हस्की के बारे में जानना है, उनका मेंटेन का खर्चा कितना है मंथली, तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखी, तो ऊपर आई बटन में जाके आप देख सकते हैं या फिर आपको एंड स्क्रीन में भी मिल जाएगी या फिर डिस्क्रिप्शन में भी आपको मैं दे दूँगा। तो गाइस अगर आप मुझसे पूछते हो कि ये डॉग ब्रीड आप कहाँ रखना पसंद करोगे, तो मैं सबसे ज़्यादा जैसे कि बड़े घर होते हैं जिनका काफ़ी ज़्यादा बैकयार्ड भी होता है, थोड़ा बहुत आगे स्पेस होता है, या फिर जो जॉब पे जाना चाहते हैं, या फिर अगर आप गांव में रहते हैं, ऐसे सिटी में रहते हैं जहाँ पर आपको खुली स्पेस मिलती है अच्छी खासी, और जो मेन मोटिव हो वो एक गार्डिंग पर्पज़ के लिए हो, तो ये डॉग ब्रीड आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। सो गाइस इन डॉग ब्रीड की प्राइस की बात करें तो इंडिया में इन डॉग ब्रीड का प्राइस जो है क्वालिटी पे डिपेंड करता है, आपको लो क्वालिटी और हाई क्वालिटी में दोनों अलग अलग मिलेंगे। अगर आप कोई जान पहचान से लेते हो या फिर कोई आपका अच्छा रिलेटिव है या फिर कोई पहचान वाला डॉग शॉप है तो वहाँ से अगर आप लेते हो तो इसका प्राइस जो है आपको 14,000 से 18,000 के बीच में रहेगा। या फिर अगर डॉग शॉप से या फिर ब्रीडर से या फिर अच्छे हाई क्वालिटी का आप अगर लेना चाहते हो तो 15,000 से 21,000 तक भी इन डॉग ब्रीड का प्राइस होता है। और फीमेल में लोगे तो फीमेल में आपको 3,000 या 4,000 रुपये आपको कम देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ आपको एक बात ध्यान रखना है कि इन डॉग ब्रीड को ट्रेनिंग और सोशलाइज की सख्त ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं कि अगर आप इन डॉग ब्रीड को लाते हो तो ये प्रॉपरली खुद ना खुद सोशलाइज और ट्रेनिंग होंगे। इनको प्रॉपरली अगर आप ट्रेनिंग नहीं देते, सोशलाइज नहीं करते, तो ये डॉग ब्रीड काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव भी हो सकते हैं, इसलिए ध्यान रखना आपको इनको सोशलाइज और ट्रेनिंग सख्त ज़रूरत है। इन डॉग ब्रीड का फूड की बात करें तो इनका जो फूड का टोटली अगर आप फूड ही देते हो तो इनका जो मंथली खर्चा होता है वो करीबन 4 से 5 हज़ार के आसपास हो सकता है। अगर आप घर का खाना भी देते हैं और थोड़ा बहुत डॉग फूड देते हो, थोड़ा कुछ और भी खाने को देते हैं, स्नैक्स वगैरह, तो इनका खर्चा जो है 3,000 से 2,000 के बीच में हो सकता है। बट मेरी मानो तो आप घर का खाना भी उनको ज़रूर से दीजिएगा और जो है डॉग फूड भी आप ज़रूर से दीजिएगा। अगर दोनों का कॉम्बिनेशन करके आप देते हो तो इससे आपका थोड़ा बहुत खर्चा कम भी हो सकता है और जो आपको डॉग की हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। और मंथली खर्चे की बात करें तो जो डॉग का खर्चा हो, और जैसे कि वैक्सीनेशन या डॉग बीमार पड़ गया, तो ऐसे में आपको जो खर्चा आ सकता है 2 से 2,500 के आसपास आ सकता है। और साल में अगर आप वैक्सीनेशन कराते हो तो उसका खर्चा आपको 700 से लेकर 1,200 के बीच में आएगा। इसके अलावा अगर नॉर्मल खर्चे की बात करें तो उनका टॉय या फिर कुछ खेलने या फिर जैसे कि बोन वगैरह लाते हो उसको खाने के लिए या फिर कभी कभार नॉनवेज वगैरह देते हो तो उसका खर्चा आप 2,000 या 2,000 के आसपास हो सकता है। डिपेंड करता है कि आप कितना लाते हो और कितना उसे देते हो।
और ग्रूमिंग, और आप बोले कि ग्रूमिंग उनको मेंटेन रखने का खर्चा कितना आता है, तो एक बार ही आता है, जैसे कि शैम्पू हो गया या फिर कुछ लिक्विड हो गया, मल्टीविटामिन हो गया, वो आपको 100 100 रुपीज़ के मिल जाएंगे, तो उसके ऊपर आपको 500 रुपीज़ एक बार ही खर्च करना पड़ेगा। वो आपको 2 मंथ के आसपास मल्टीविटामिन शैम्पू भी ज़्यादा चलेगा, और जो ब्रशिंग वगैरह होता है वो भी आपको 50 या 100 रुपये के आसपास ब्रश भी मिल जाएगा। सो गाइस, ये था डॉबरमैन पिंचर के बारे में। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करना वीडियो, और हमारे जो बाकी वीडियो वो भी ज़रूर से देखना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।